सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा जो मेन माइक है यार वो ख़राब हो गया, ठीक है, तो उसे फिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक के लिए मैं इसी फ़ोन का ऑडियो को इस्तेमाल करूँगा अपने वीडियोज़ में। अब कुछ अपडेट्स पहले आपको बता दूँ, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने अनाउंस किया था इंडियन सेटअप वॉर्स के बारे में, तो यार यहाँ पर अच्छी खबर ये आ रही है कि हमें 6-6 स्पॉन्सर्स मिल चुके हैं, तो जो विनर्स होंगे भाई उनको गिफ्ट भी मिलने वाले हैं, वो भी अच्छे खासे गिफ्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो और बाकी आपको क्या क्या सेंड करना है वगैरह वगैरह, कहाँ पे आपको सेंड करना है, सब एक सेपरेट वीडियो में और डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। और हाँ गाइस, हमने अपने चैनल के लिए रेडिट पेज भी लॉन्च किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब आते हैं हमारे असली मुद्दे पे। देखो यार, वैसे तो मैंने बहुत दिनों पहले ही सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन क्योंकि यार मैं वीडियोस को लाइव रिकॉर्ड करता हूँ और बाकी सब पॉइंट्स वगैरह लिखता नहीं हूँ, तो लाइव में कुछ पॉइंट्स मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, अब वो पॉइंट जो मैं भूला हूँ वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मुझे दूसरा पार्ट बनाना पड़ रहा है। तो अब आरंभ करते हैं लिक्विड कूलर वर्सेस एयर कूलर पार्ट 2। अब गाइस, सबसे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है ना, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, पहले पार्ट 1 देख सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी पार्ट 1 पे जा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में किस चीज़ के बारे में बात की थी। तो जैसे कि हमने बात की थी, ये सिर्फ मिथ होता है कि मतलब एयर कूलर ज़्यादा अच्छे से कूल नहीं करते और लिक्विड कूलर बहुत ही अच्छे से कूल करते हैं और बाकी दिखने में भी अच्छे होते हैं। मेन बात तो देखो यही है कि दिखने में ना एयर कूलर ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर RGB वगैरह लगा रहता है और हीट सिंक भी मेरे हिसाब से काफ़ी सेक्सी दिखता है। लेकिन जब बात आ जाती है मिनी ITX बिल्ड की, तब देखो यार AIO कूलर ही अच्छा पड़ता है। अब वो इसीलिए क्योंकि जो हमारा टावर कूलर होता है यानी कि एयर कूलर, वो अगर अच्छे क्वालिटी का हुआ, मतलब कि उसका जो एल्यूमिनियम का हीट सिंक रहेगा या फिर निकल आप बोल सकते हो, अब हायर क्वालिटी का अगर हीट सिंक रहेगा तो निकल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो वो जो हीट सिंक रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो वो इंटरफेयर करेगा आपके रैम से और बाकी आपके मदरबोर्ड के VRM से। इसीलिए एयर कूलर के साथ अगर आप जाते हो तो मिनी ITX बिल्ड वगैरह में, या फिर आपका एयर कूलर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो वो रैम और VRM के साथ इंटरफेयर कर सकता है और क्लियरेंस के इश्यूज हो सकती हैं। लेकिन ऐसा लिक्विड कूलर या फिर AIO कूलर उनके साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उनका जो रेडिएटर होता है वो तो भाई दूर होता है CPU से। तो यही यही बातें थी। तो अब बात करते हैं उस चीज़ की जो कि मैं पहले वीडियो में बताना भूल गया था। तो दोस्तों, अगर आपका टावर कूलर या फिर एयर कूलर वो अगर वर्टिकली एयर को पुश करता है, तो आपके जो मदरबोर्ड का VRM है और फिर बाद में जो रैम है वो उनको भी कूल कर देता है। सिंपल सी बात है, जब वर्टिकली एयर को वो पुश करेगा यानी कि ऊपर से हवा को पुल करेगा वो नीचे की तरफ, तो वो हीट सिंक के तरफ से वो डिसिपेट होगा और फिर बाद में थोड़ा सा फ्लो कर जाएगा VRM की तरफ और थोड़ा सा रैम की तरफ। इससे क्या होगा कि आपका जो मदरबोर्ड वो थोड़ा कूल हो जाएगा, क्योंकि उसका VRM ठंडा हो रहा है और साथ में रैम भी ठंडा हो रहा है। लेकिन यही चीज़ लिक्विड कूलर के साथ नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि उसका जो हीट सिंक और फैन रहता है वो तो भाई केस के एग्जॉस्ट या फिर इनलेट पे होता है, और AIO कूलर्स का जो पंप होता है उस पर तो कोई फैन वगैरह होता नहीं है, ना ही हीट सिंक होता है, तो वहाँ पे ना आपके रैम को कूलिंग मिलेगी और ना ही आपके VRM को। तो देखो यार, ये भी एक पॉजिटिव है एयर कूलर का, मतलब कि आपका VRM भी हल्का फुल्का ठंडा कर रहा है और फिर बाद में रैम को भी हल्का फुल्का ठंडा कर रहा है। तो मान लो कि अगर आप कोई ऐसा मदरबोर्ड लेते हो जिसके ऊपर की VRM के ऊपर प्रॉपर कूलिंग नहीं है, तो आपको सहूलियत हो जाएगी। लेकिन एयर कूलर्स या फिर AIO कूलर के साथ ऐसा नहीं होगा। अब आपको एक और खासियत बता देता हूँ एयर कूलर्स के बारे में, और वो ये है कि अगर आप एक ओवरक्लॉकर हो, तो देखो यार सिंपल सी बात है, आपको वेट बिल्कुल करना भी पसंद नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत सारे बेंचमार्क्स करने होते हैं, और स्टेबल टेम्परेचर्स अगर आपको पाना है वो एयर कूलर्स के ऊपर फटाक से रीच हो जाते हैं। लेकिन वही अगर आप लिक्विड कूलर के ऊपर ओवरक्लॉकिंग करते हो, तो आपका जो स्टेबल टेम्परेचर है उसे रीच करने में आपका AIO कूलर आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक का समय लगा सकता है। अब आप में से यार बहुत सारे लोग ऐसा बोलोगे कि जब AIO कूलर का टेम्परेचर बढ़ने में टाइम लग रहा है तो क्या वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ, एयर कूलर कैसे अच्छा हुआ। अब देखो यार, एक तरह से ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा ये है कि अगर आप आधे घंटे से 1 घंटे तक गेमिंग वगैरह करते हो तो आपका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरक्लॉकिंग करना चाहते तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार स्टेबल टेम्परेचर पर पहुँचोगे तभी आप वापस क्लॉक्स को थोड़ा और बढ़ाना चाहोगे, क्योंकि अगर आप स्टेबल टेम्परेचर पर नहीं पहुँचते तो आपको मालूम नहीं रहेगा कि कितना टेम्परेचर जा सकता है ऐसे गेम खेलते वक्त या फिर बेंचमार्क करते वक्त। तो यही चीज़ है AIO कूलर्स में। अब आप इसकी खासियत समझ लो या फिर आप खामी समझ लो, लेकिन बात दरअसल ये है कि ये चीज़ ओवरक्लॉकर्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यार देखो आपको आधा घंटा वेट करना पड़ रहा है या फिर 1 घंटा भी हो सकता है, और फिर वही बाद में एयर कूलर के साथ ऐसा भी होता है, वो बहुत ही जल्दी स्टेबल टेम्परेचर पर रीच भी कर देता है, और फिर अगर आपके CPU पर स्ट्रेस नहीं है
तो वो बहुत ही जल्दी कूल डाउन भी हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपके सीपीयू से स्ट्रेस हटता है और आपका सीपीयू कूल होने लगता है तो आपके एयर कूलर का भी टेम्परेचर 2-3 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वही लिक्विड कूलर के साथ उल्टा होता है। सबसे पहले तो वो स्टेबल टेम्परेचर पे पहुंचने पे टाइम लगाएंगे और फिर बाद में एक बार वो स्टेबल टेम्परेचर पे पहुंच जाए तो मान लो आपने स्ट्रेस टेस्ट बंद कर दिया और आपका सीपीयू वापस ठंडा होने लगा। लेकिन क्योंकि लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी होती ना कि वो पहले तो बहुत जल्दी गर्म नहीं होगा और फिर गर्म होएगा तो फिर काफी टाइम तक के लिए गर्म रहेगा। मतलब कि उसकी जो हीट डिसिपेशन है वो धीरे धीरे होगी लिक्विड से बाहर। तो ये भी एक खामी है यार AIO कूलर्स का, मतलब कि एक बार गर्म हो जाता है उसका लिक्विड तो फिर वो ठंडा होने में नॉर्मल होने मतलब आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक का टाइम लगाएगा। तो बस गाइज यही था आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन्हें सबसे पहले देख पाए। अब गाइस अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का एफिलिएट लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां से शॉपिंग कर सकते हैं, ये चैनल को थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा। और हाँ यार डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करना तो बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे बंदे जो कि आपको टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं। मतलब कि मान लो मैंने कभी आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं तो आप उस सर्वर में जाके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे। तो इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।